नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बहुत ही रहस्यमय एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहे हैं। इस स्टोरी के अंदर आपको एक ऐसी पावर भी दिखेगी, एक ऐसी पावर के बारे में जानकारी भी होगी जो आप लोग अनभिज्ञ थे। मेरे प्यारे दर्शकों, जंगल में रहने वाले जिसे हम आदिवासी कहते हैं, हमारे यहाँ भारत में अलग अलग अंडमान निकोबार पे, छत्तीसगढ़ में रहने वाले, नागपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में अलग अलग जो आदिवासी हैं उनकी अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उनका लोक संगीत है, अस्त्र है, शस्त्र है। इसी कड़ी में हम अपने उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी दक्षिण चलने पर एक जिला स्टार्ट हो जाता है, जगदीशपुर। जगदीशपुर इलाके में शुक्ल बाजार नामक एक स्थान पड़ता है। वहां पे कामाख्या देवी का स्थान है जो कि घने जंगलों में ये विराजती है। दिन में भी वहां कोई जाने से पहले, अब तो बहुत कोलाहल हो गया, बीजेपी सरकार आई, मंदिर बनवा दी बहुत सारा। एक समय था कि वहां कोई जाता ही नहीं था। सुख सोमवार को बहुत लोग जो यदा कदा गांव वाले थे बतासा वगैरह चढ़ा के चले जाते थे और किसी की हिम्मत भी नहीं थी वहां से कोई चीज उठा के ले आए। तमाम पीतल के घंटे, तमाम वाद्य यंत्र, बहुत सारे प्रॉपर्टीज रहती थी, उनको कोई छूता नहीं था। उन्हीं जंगलों में एक जाति होती बनमानुस, उसे हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ वन में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं वनामानुस यानी वन मानुस। ये अक्सर पत्तल बनाने का, पत्तों को तोड़ते हैं और पत्तल बनाते हैं और उन्हें बिक्री करने के लिए बाजार तक जाते थे। इसी क्रम में मुझे एक ऐसे चमत्कारी वनमानुष से संपर्क हुआ। जब मैं उनसे बात की और धीरे धीरे वो खुलते खुलते अपनी बातें बताने लगा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये वन में रहने वाले जो कभी स्कूल नहीं देखे, कभी कॉलेज नहीं देखे, कभी बहुत सारे एडवांस सिटी नहीं देखे, ना कल्चर में रहे, आखिर इनको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस ये विज्ञान, ये कहाँ से आया इनके पास। ध्यान से सुनना चूंकि समझना जरूरी है। हम उनको एक बीड़ी नहीं था, बीड़ी का बंडल खरीद के दिए, बीड़ी पिलाई, एक पाव जलेबी लिया, जलेबी खिलाया उनको, पानी पिया, हम भी पिए, फिर मैं बात और धीरे धीरे खोलना चालू किया। थोड़ी देर बाद वो बोला, आओ मेरे साथ चलो। पैदल ऊंची नीची पगडंडी होते हुए घने जंगलों के बीच लेके गए और एक वृक्ष दिखाया। उस वृक्ष के पास 5-7 काले रंग के झंडे, नीले, पीले, काले, कई रंग के झंडे छोटे छोटे बंधे हुए थे। छोटे सी तीर और भाले वहां पर दबे हुए थे, छोटी छोटी मिटकियां रखी हुई थी, ना जाने उसमें कैसी दुर्गंध सी पेय पदार्थ भरा हुआ था, हो सकता वो शराब रही हो। वो उंगली से इशारा करके बोला कि ये देख रहे हो? हमने कहा, महाराज देख रहे हैं। कह रहा, हम लोग, हमारा देवता, हमारा जो टेक्निक है सारा कुछ यहीं से प्रारंभ होता है। हमने कहा, ये तो वृक्ष देव हैं, इससे कैसे? मैं सब जानता था कि ये कोई ना कोई शक्ति का प्रयोग करता है। अंततः वो उसको उधेड़ते 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 उन्होंने बता ही डाला। जैसा कि जानते आप, वन देवी होती हैं, वन दुर्गा होती हैं, उसी तरीके आपके क्षेत्र के जंगल में, बाग बगीचों में रहने वाली एक शक्ति होती है जिसे ये लोग पूजते हैं। पूजने के बाद कैसे पूजी जाती है, क्या लगता है, ये थोड़ा सा तामसिक है। इसमें शराब भी लगता है, मांस मदिरा भी चढ़ती है, भोग भी देना पड़ता है। वो शक्ति इस व्यक्ति को क्या चमत्कार करती थी मैं बता रहा हूं। उसके अंदर ये गुण था कि
आप अगर कहीं जा रहे हैं तो बता देता कि आप इतनी दूरी जाएंगे तो आपको रास्ते में ये मिलेगा, ऐसा मौसम हो जाएगा। मौसम के बारे में सटीक कि आज बादल आएगा, आंधी तूफान ये सब। उसके साथ वो उनके जो पशु लोग जंगल में छोड़ देते थे, जंगल में छोड़ने के बाद वो एक एक पशु के ऊपर एक एक पता नहीं क्या मंत्र बोल के हाथ ऐसे सहला के पीठ पे छोड़ देते। वो पशु सारे दिन जंगलों में, भयंकर जंगलों में इधर उधर चारा खाते और शाम को वहीं चले जाते। ये उसी शक्ति द्वारा था। तीसरी उनकी चीज मैंने देखी कि कोई शिकार था, शिकार को एक टक देखते हुए उसको मंत्र पढ़ के फूंक देते, वो वहीं पे स्तंभित हो जाता, ना उड़ पाता ना कोई हरकत कर पाता, इतने में ये शिकार कर लेते थे। चौथा हमने देखा, इसी मंत्र से मिट्टी उठा के ऐसे ऐसे पढ़ के फूंक देते थे, ये घने जंगलों में जमीन पे लेटे रहते थे और जंगलों में चलना उठना बैठना सब कुछ। लेकिन आज तक रिकॉर्ड था, उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को किसी सांप ने नहीं काटा, किसी बिच्छू ने नहीं काटा, किसी जंगली लकड़बग्घा स्यार तेंदुआ किसी जंगली जानवरों ने हम लोगों को छुआ नहीं, वो इसी मंत्र की कृपा से। अंत में बताया गया इसी मंत्र से अगर आप, आपके शत्रु वो चाहे तांत्रिक शत्रु हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे बाहुबली हो, किसी प्रकार शत्रु हो, वो किसी शक्ति से, शस्त्र शक्ति से, मंत्र शक्ति से, अपनी ताकत की शक्ति से, समाज की शक्ति से, राजनीतिक शक्ति से, प्रशासन की शक्ति से, किसी प्रकार की शक्ति से अगर आपको व्यर्थ का तंग कर रहा तो इस विद्या से आप उसको दूर कर सकते हैं। तो ये विद्याएं जब कृष्ण पक्ष चालू होता है तो किसी भी मंगलवार से स्टार्ट होती है और 3 दिन की रहती है। ये विद्या जो है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि 3 दिन आपको एकदम सतर्क रहना रहता है। जो लोग करना चाहें उन्होंने हमको दिया है, हम आपको ये निःशुल्क रूप ही, उस व्यक्ति को यहाँ आना ही पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी माध्यम से नहीं दे सकता हूँ। इस विषय पे व्यर्थ की बात करना ही नहीं कि गुरुजी मैं नहीं आ सकता, मेरे जिम्मे ये है मैं नहीं आ सकता, तो मैं दे भी नहीं सकता। किसी प्रकार का इस विद्या को देने का शुल्क नहीं है, ठीक है। एक बात और, बहुत से लोग चाहते हैं कि हर आदमी हम ही से बात करें, तो व्हाट्सएप पे मैं बात नहीं कर पाता हूँ। व्हाट्सएप पे सिर्फ जिनकी मैं समस्या का निदान कर रहा हूँ उनको रखता हूँ या जिनको मैं साधना सिखा रहा हूँ। बाकी हमारे 3 नंबर, हम तीनों पे कभी भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं, चूंकि 2-2 घंटे मैं दिन भर में हर फोन पे रहता हूँ। अब आप खुद दिमाग लगाए कि किस पे गुरुजी रहेंगे। कभी मैं 911-80 वाले पे, कभी 74 वाले पे, कभी 82-99-45-17 पे, तीनों में कभी सुबह बैठ जाता हूँ किसी पे, किसी दोपहर को, तो कोई कंफर्म नहीं कि मैं किस पे कब हूँ रहता हूँ। तो आप सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।